हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए वेदांता पे वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि वेदांता ने डिविडेंड दिया है 19.50 पर इक्विटी शेयर का गाइस। उसके साथ साथ इसकी फेस वैल्यू इन्होंने दी है 1 रुपीज़ 1 पर शेयर। ठीक है गाइस, मैं थोड़ा स्क्रीन आप लोगों के लिए जूम कर देती हूँ, फिर आप उसके साथ साथ देखिए। देखिए गाइस, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिविडेंड ऑफ रुपीज़ 19.50 पर इक्विटी शेयर एंड ऑन फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1 पर शेयर। ठीक है, इधर फाइनेंशियल ईयर भी लिखा हुआ है, इधर इसके साथ साथ और लिखा हुआ है जो अमाउंटिंग है। ठीक है गाइस, तो इससे आपको पता चलता है कि वेदांता ने 19.50 का अपना डिविडेंड दिया है। उसी के साथ साथ इसकी मैं आपको एक्सडेट भी बताती हूँ, देखिए गाइस, इसमें आप इसकी रिकॉर्ड डेट देखिए 27 जुलाई आ रही है। ठीक है, उसी के साथ साथ इसका एक्सडेट 26 जुलाई है एंड बाइंग डेट जो है 25 जुलाई तक का समय का मौका मिला हुआ है गाइस। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी आगे होगी कि आपको बाइक कब तक करना है और कितने दिन पहले कर लेना है, मतलब सब कुछ। जैसे कि बाइंग डेट 25 जुलाई दिखा रहा है तो उससे पहले ही करना होगा क्योंकि एक्सडेट 26 जुलाई है। तो गाइस, उसके साथ साथ आप एक चीज़ और देखिए, वेदांता का शेयर प्राइस मतलब 255 पे आकर स्टॉप हो गया। कहाँ ये 240 पे पहले रुका हुआ था, जैसे कि आप देखोगे जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि 1 मंथ पहले देखिए आप, पहले कहाँ रुका हुआ था, ये कितना 227 पे था, फिर ये 240 पे आकर स्टॉप हो गया था। ठीक है गाइस, आज वहीं ये बढ़ गया है और ये 255 पे आके स्टॉप हो गए। तो गाइस कितना अच्छा ये कर रहा है और कितना अच्छा डिविडेंड दे रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो गाइस, वेदांता मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वेदांता डिविडेंड दे रहा है तो आप इन्वेस्ट करें, नहीं। आपको पता ही है कि किसी भी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है तो उसकी पहले परफॉर्मेंस हम देखते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, पहले आप उस कंपनी की परफॉर्मेंस देखो, उसको चेक करो, खुद से स्टडी करो, जैसे लाइक वेदांता है। ठीक है, आप पहले खुद से चेक कर लीजिए, देन उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए। बाकी तो आपको पता है अप एंड डाउन एंड प्लस एंड माइनस तो हर एक कंपनी के में चलते ही रहते हैं। तो गाइस, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड बाय गाइस, थैंक यू।